नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुपायमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीता निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी आज का जो सब्जेक्ट है कि अभी जो ओमिक्रॉन का अटैक हो रहा है चाइना में, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग, लाखों लोग मर रहे हैं, और उसी के साथ में इंडिया में भी ये दाखिल हो चुका है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, और इंडिया में अभी इतना नहीं है लेकिन यहाँ पे होने का चांसेस है। तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से क्या सोचना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट का पहले से प्रिवेंशन क्या करना चाहिए कि वो ज्यादा ना फैले, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं पहले थोड़ा बता दूंगा, बाद में आप लोग भी डिस्कस करिएगा। तो हम लोग जब भी ये पेशेंट, मैं शुरू से बताता हूँ कि प्राणी मात्र को जीने के लिए ना श्वास और प्रश्वास की गति अनिवार्य होती है, जो हम जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, सांस लेना और छोड़ना, श्वास और प्रश्वास। तो प्राणवायु जो है वो फुफ्फुसों में जाता है और उदान वायु जो है वो बाहर निकलता है। मॉडर्न साइंस में बोलते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जाता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये जो क्रिया है सांस लेना और छोड़ना, इसको श्वासोश्वास या ब्रीदिंग कहते हैं। जब स्वाभाविक क्रिया जो है वो नॉर्मल रिदम से चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये रिदम जब गति बढ़ जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो उसको श्वास रोग बोलते हैं। और रोग विज्ञान हमारे आयुर्वेद के विज्ञान में इसको श्वास तुच्छता ऐसा भी बोलते हैं, डिस्निया ऐसे भी बोलते हैं, श्वास कष्टता बहुत कठिनाई से सांस लेना ऐसा बोलते हैं। तो अभी जो ओमिक्रॉन का जो आ रहा है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि दो वेव आए फिर तीसरा वेव आया, तो बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन वगैरह ले लिया। तो इसमें मेन क्या रहता है कि कोविड का जब भी अटैक होता है ना तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और उसके बाद में वेंटिलेटर पे पेशेंट जाते हैं। लेकिन अभी जो वेरियंट है वो उतना प्रभावशाली नहीं है, इसमें होगा तकलीफ होगा, फ्लू जैसे कंडीशन आएंगे, लेकिन ये अभी हमारा इम्यूनिटी इतना अच्छा हो गया है। आदित्य सर बताएंगे उसके बारे में, जो भी है वो मॉडर्न का व्यू बताएंगे, मैं आयुर्वेद का व्यू बता रहा हूँ। तो आधुनिक चिकित्सा के समान आयुर्वेद शास्त्र में भी श्वास रोग के 5 प्रकार बताए। तो हर पेशेंट जो है वो दमा के ही आएंगे ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में श्वास रोग के 5 टाइप बताए। तो हमें पहले तो डायग्नोज करना है आयुर्वेद के हिसाब से। हाँ, भले ये आगंतुक कारण है लेकिन हमें वो शरीर में किस तरह के सिम्टम दिख रहे वो देखना पड़ेगा। तो इसमें महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और शुद्र श्वास या परिश्रम जन्य श्वास ऐसा बोला है। तो हम लोग तमक श्वास के बारे में देखते हैं तो ब्रोंकियल अस्थमा, अगर ये कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्रोंकियल अस्थमा जैसा होता है
और आयुर्वेद में ऐसा बोल रहे हैं कि श्वास रोग जब होता है वायु और कफ से उत्पन्न होता है, वायु की वजह से रुक्षता बढ़ती है और जितने भी अपने एल्वोलाइज ब्रोंकियल थे वो पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वायु का शीत गुण भी बढ़ जाता है और इसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ जाता है और कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता है। और कफ की वजह से क्या होता है कि स्यानता आके स्त्रोत्र होता है, प्राणवायु स्रोत है वो अवरुद्ध हो जाता है, तो ऐसे संप्राप्ति हो जाती है। जो प्राणवायु को सांस मतलब जाने में और निकलने में मतलब प्राण और उदान की गति में अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है तो सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। आयुर्वेद में ऐसा बताया कि हाँ अभी ओमिक्रॉन का है अटैक ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हेतु भी बताए हैं उसको भी कंसिडर करना चाहिए कि जैसे धूल धुआं तीव्र वायु ठंडी हवा की वायु ठंडे जगह पे और ठंडा पानी पीना ठंडी जगह में जाना तो जैसे अधिक व्यायाम करना शीतल जल पीना अपतर्पण होना या फिर अधिक मैथुन करना। आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं तो बोले कोविड तो उनका हिस्ट्री जरूर निकल गया, अति मैथुन किया है क्या, अधिक मार्ग गमन किया है, अधिक भार उठाए क्या, रुक्ष अन्न का सेवन किया है, जागरण किया है क्या, वेगावरोध किया है क्या, विषमाशन किया है क्या। आप प्राइमरी लेवल पे तो एलोपैथी के डॉक्टर्स करेंगे लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में अगर ट्रीटमेंट देना है तो उनको फिर से ना हो तो ये सारे हेतु निकालना जरूरी है। इसी तरह से कफ प्रकोपक कारण आपको देखना जरूरी है कि उन्होंने बहुत ज्यादा विष्टम्भी भोजन खाया क्या, ऐसे पदार्थ जो कॉन्स्टिपेशन करते हैं, गुरु भोजन खाया है क्या, अभिषेन्दी मतलब दही का सेवन किया है क्या, मिक्स फ्रूट सैलेड खाया है क्या, तो कफ जन्य पदार्थों का सेवन, मिठाइयाँ खाई है क्या, फिर उसके बाद में फ्रिज के पदार्थ का सेवन किया है क्या, या फिर बहुत ज्यादा मैदा की चीज खाए क्या, जो बिस्किट्स बहुत खाए हैं, ब्रेड बिस्किट इडली डोसा जो फर्मेंट करके बनाया जाता है, जो कफ के प्रकोपक, आइसक्रीम बहुत खाए क्या। तो हमें कफ प्रकोपक कारण और वायु प्रकोपक कारण यह देखना जरूरी है। इसी तरह से कुछ निदानार्थक कर रोग रहते हैं उसको देखना जरूरी है कि कोविड के पेशेंट आए भले पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव उनको सांस लेने में जब तकलीफ हो रही है तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें आम दोष कितने हैं, उसमें अफारा कितना हो रहा है, आद्यमान कितना हो रहा है, शरीर में रुक्षता कितनी है वो हमें देखना चाहिए, उसका अपतर्पण कितना हुआ है। मतलब लोग बहुत क्या करते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते, खीरा ककड़ी खा के रह रहे हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं अपतर्पण जन्य संप्राप्ति उनमें दिखती है पहले से। तो दौर्बल्यता है क्या, मर्माघात है क्या, मतलब मर्म पे आघात हुए, इंजुरी हुई है क्या, शोधन कर्म का अतियोग हुआ है क्या, या ज्वर का हिस्ट्री है क्या, वमन हुआ है, जुकाम है क्या, टीबी का कोई हिस्ट्री है क्या, रक्तपित्त है, विसूतिका है, उदावट है, पांडु रोग खून की कमी है क्या, विषाक्त भाव बॉडी में कोई पॉइजन का कहीं ना कहीं जैसे कि कान से पात्र में दही रख के और वो सेवन किया है, या विरुद्ध अन्न का सेवन किया है। कल वो एक मैम आई थी उन्होंने बताया, कल बताया था गरिमा मैम, बप्पा हेलो बीच में मत बोलिए, बीच में बंद करिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। तो ये देखना है कि वो कल मैम बता रही थी ना कि चाय और कुछ ना नमकीन खाती है स्नैक्स, तो ये विरुद्ध चीज जा रहे क्या वो देखना है। कंठ और उरु प्रदेश में आघात हुआ है क्या, कॉन्स्टिपेशन का कितना हिस्ट्री है, या लूज मोशन अतिसार का क्या प्रॉब्लम है, मतलब हिस्ट्री में है क्या। ऐसे लोग जो शरीर से वात और कफ को प्रकोपित करके हुए हैं उनको ये अटैक जल्दी होता है। आप लोग कभी भी देखिएगा जब स्वाइन फ्लू आया था तो स्वाइन फ्लू सभी को थोड़ा ना हुआ था, उनको ही हुआ था जो पहले से बीमार थे, जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक थी। उसी तरह से अभी कोविड आया उसके बाद जीका वायरस आया था, मतलब अलग अलग जो वायरस के वेरियंट है वो तो आते रहेंगे, प्रकृति का नियम है, वायरसेस तो आते रहेंगे। और ऐसा रिसर्च जो है कि जो अपना पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके ऊपर एक ओजोन लेयर है, वहां पे कॉलोनीज ऑफ कॉलोनीज वायरसेस हैं जो हर साल आते हैं। आप इस वायरस से बैक्टीरिया से बच नहीं सकते हैं, ये हैं एग्जिस्ट करते हैं। और आयुर्वेद में भी लिखा है, आयुर्वेद का आप चरक संहिता देखेंगे तो चरक संहिता में ज्वर की उत्पत्ति का चक्रपाणि जी ने क्या टीका लिखा है कि जब ये दक्ष प्रजापति ने सती माता का वो शिव जी का अपमान किया और उनको बुलाया नहीं अपने यज्ञ में, तो सती माता ने क्या किया कि यज्ञ कुंड में खुद को दहन कर दिया, मतलब खुद को जला दिया कि मेरे पति का अपमान हुआ, मैं अपने पति का अपमान नहीं सह सकता, और शिव जी का अपमान किया तो सती माता बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो शिव जी को ये बात पता चली तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, तीसरा नेत्र खोलने से एक वीरभद्र नाम का शिवगण तैयार हुआ, उसको उन्होंने आज्ञा दिया कि
कि जितने देवताओं ने ऐसे अपमान किया, क्योंकि स्त्री का अपमान हुआ था और शिव जी कोई स्त्री का अपमान सहन नहीं सकते। प्रकृति का नियम है कि स्त्री का अपमान जहां पर भी होता है वहां पर नाश होता है। तो सती माता को इतना तकलीफ हुआ है, तो जितने भी देवता है उनको पनिश करके आओ। तो उन्होंने सबको पनिश किया और दक्ष प्रजापति का गला काट दिया। बाद में उसमें उसको गधे का सिर लगा दिया गया, अश्विनी कुमार ने लगाया। तो ये बात अलग है। तो फिर वो बाद में जब यज्ञ के जितने देवता लोग थे उनको पनिश करके आया वीरभद्र, तो उसको पूछा कि हे भगवान अब मेरा क्या काम है संसार में। तो शिव जी ने उसको आज्ञा दिया कि तुम ना छोटे छोटे वायरस और बैक्टीरिया ये बन के और पूरे संसार में फैल जाओ। और ऐसा ऐसा लिखा है चरक संहिता में, लिखा है चक्रपाणि जी ने संस्कृत में लिखा है, पूरे दुनिया में फैल जाओ और जो लोग भी मिथ्याहार विहार करेंगे उनके शरीर में प्रवेशित होके उनको तकलीफ दो। ऐसी आज्ञा है, शिव जी की आज्ञा है। तो ये जो बैक्टीरिया वायरस जो भी है ये है शिव जी की आज्ञा है कि वो, और शिव जी जो है वो महाकालेश्वर है। जो लोग मिथ्याहार विहार नियम नहीं पालेंगे उनके शरीर में वो जरूर बैक्टीरिया वायरस जाएंगे। तो आयुर्वेद भी इन सबको एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए ये जो पहले से रोगी है ना उनको ही जीका वायरस अटैक करता है। जो लोग पथ्याहार, जो लोग नियम से रहते हैं, और इसीलिए आचार रसायन सद्व्रत का पालन, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, और पूरा दिनचर्या हमारा बताया है, ऋतुचर्या बताया है, रोज नहाना चाहिए, रोज मलमूत्र का त्याग करना चाहिए टाइम पर, रोज अच्छी बात सोचना चाहिए, सब बताया है सद्व्रत और आचार रसायन बताया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वायरसेस जो है वो उन्हीं को अटैक करते हैं जो पहले से ही कुछ ना कुछ मिथ्याहार विहार कर रहे हैं। अब एक बार और देखें तो हिक्का, श्वास, कास, इन सब का निदान एक ही माना गया है कि धूल धुआं इन सब का सेवन किया जा रहा है, ठंडी चीजें खाई जा रही हैं। और आचार्यों ने हिक्का के पश्चात श्वास रोग का वर्णन किया है। संप्राप्ति अगर देखेंगे तो उपयुक्त जो कारण बताए हैं उसे प्रकोपित हुआ कफ जो है वो वायु के, कफ और वायु दोनों प्रकोपित होकर प्राणवा स्रोत में अवरोध करके विमार्गमन करते हैं, मतलब अपना रास्ता छोड़ के कहीं और जाने लगते हैं, उल्टे डायरेक्शन में जाने लगते हैं और श्वास दमा रोग की उत्पत्ति हो जाती है। संप्राप्ति अगर देखेंगे तो इसमें दोष है तो कफानुगत वायु है, दूष्य देखेंगे रस है, रस धातु है, स्रोत देखेंगे तो प्राणवा स्रोत की दुष्टि होती है। और स्रोत दुष्टि लक्षण में चार चीजें बताई है, तो इसमें चार में से संग होता है, विमार्गमन होता है और अति प्रवृत्ति होती है। संग किसका हो रहा है तो प्राणवा स्रोत में ऑब्स्ट्रक्शन, ये संप्राप्ति हो रही है श्वास रोग में, तो संग ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। विमार्गमन मतलब अपना जो डायरेक्शन है वायु के चलने का, कफ का चलने का, वो विमार्गमन उल्टे डायरेक्शन में चलने लगता है और सांस फूलने लगता है। और अति प्रवृत्ति, अति प्रवृत्ति किसकी हो रही है तो वायु की अति प्रवृत्ति हो रही है, कफ का स्थानता बहुत ज्यादा बढ़ा है और कफ का बहुत ज्यादा सिक्रीशन छोड़ता है। तो संग होता है, विमार्गमन होता है, अति प्रवृत्ति होती है। और चौथा सिराणम ग्रंथियों, सिराओं का ग्रंथि होना, ये संप्राप्ति यहाँ पे ये चीज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में अधो आमाशय में इसका उद्भव स्थान है और अधिष्ठान इसका फुफ्फुस है और रोगमार आभ्यंतर है। तो कंठ में घुरघुर के शब्द के साथ पीड़ा दबने वाला तीव्र वेगयुक्त श्वास रोग हो जाता है। जब भी ये श्वास रोग का हम लोग देखेंगे, भले वो कोविड का अटैक हो या कोई भी हो, श्वास रोग में आगंतुक कारण हो या निष्कारण हो, बार बार तीव्र वेग से श्वास जो है वो धमनवत चलता है, जिस तरह के लोहार का जो ये रहता है जो वो करता है गर्म करता है ना, तो जैसे चलता वैसे सांस फूलने लगती है बहुत ज्यादा। उसी तरह से प्राणवायु स्रोत के अवरोध होने से प्राणवायु के विनिमय में बाधा उत्पन्न होती है, प्राणवायु उदान वायु का जो गति है वो उल्टे डायरेक्शन में होता है और सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है और तीव्र गति से कष्टपूर्वक श्वास लेना पड़ता है। जिस श्वास में वायु प्रतिलोम होकर कुमारगामी होकर स्रोतों से प्राप्त होता है वह कफ को बढ़ाकर ग्रीवा और सिर को भी जकड़ देता है। और ग्रीवा और इधर सिर में जकड़ गया और जितने अपने साइनसेस है उसमें जाके वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस ऐसे पीनस रोग उत्पन्न कर देता है। अपने जो फ्रंटल साइनस है, स्मार्ट साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, वहां पर भी कफ जाके बैठ गया और घुरघुर शब्द आने लगता है, हृदय को पीड़ित करने वाला है, मतलब पीनस भी होता है, श्वास भी होता है, कास भी होता है, प्रतिशय भी होता है, ये सारे उपद्रव होने लगते हैं और यही हमारे कोविड के टाइम पे भी सिम्टम्स दिखते थे। तो अत्यंत तीव्र वेग वाले श्वास रोग को उत्पन्न कर देता है। वह श्वास का वेग से पीड़ित मनुष्य अकर्मण्य हो जाता है और बार बार खांसी के साथ मूर्छित होने जैसा सूना सूना रहता है, मतलब सुन्न जैसा होने लगता है। कफ के निकलने से थोड़ा कष्ट होता है
और कभी ज्यादा भी होता है, और कफ के निकलने के बाद थोड़ा उसको सुख मिलता है, स्वर भंग हो जाता है, आवाज बैठने लगती है, सांस, और वो ठीक से बोल भी पाता, सांस बैठने लगती है, उसको सोते टाइम बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आसिनो लभते सुखम, ऐसे बोला है ना कि लेटने से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बैठने से अच्छा लगता है। पेशेंट रात भर बैठे रहता है, उसको नींद भी नहीं आती है, और सोते समय वायु पार्श्व को जकड़ लेता है, इसलिए बैठने से उसे सुख मिलता है, और उष्ण पदार्थों की इच्छा करता है, गर्म चीजें चाहिए, उसके नेत्र विकृत रहते हैं, और उसके बाद में बार बार श्वास लेता है, ललाट में स्वेद आता है, पीड़ा होती है, मुंह सूने लगता है, और हृदय का धड़कना, ये सारे चीज होते हैं। और ये जब बादल आते हैं तब ज्यादा बढ़ता है, वर्षा में, ठंडियों में बढ़ता है, और कफ वर्धक आहार विहार से वृद्धि होती है, ऐसे सारे सिम्टम्स रहते हैं। तो ये ब्रोंकियल अस्थमा, मतलब ये, और फिर इसके कॉम्प्लिकेशन में ब्रोंकियेक्टेसिस, फाइब्रोसिस, ऐसे भी सिम्टम्स कोविड में देखने को मिले, और कुछ लोग बच गए, कुछ लोग की मृत्यु हो गई। तो ये हमें देखना चाहिए। अगर तमक श्वास जो है पित्तानुबंधी जब रहता है तो उसको प्रतमक श्वास ऐसा जानना चाहिए। और प्रतमक श्वास में क्या रहता है, उदावर और अजीर्ण का निरंतर होना, शरीर में क्लेद होना, प्राणवायु और मल मूत्र आदि के निरोध से प्रतमक श्वास हो जाता है। उसी तरह से एक संतमक श्वास होता है। संतमक और प्रतमक, इसके दो टाइप बताए हैं। उष्णता के कारण वेग अधिक आए, शीत क्रिया से वो श्वास वेग शांत हो जाए, उसको संतमक बोलते हैं, और उसमें अंधेरा छाता है, वो ज्यादा तम शब्द है, मतलब अंधेरा छाता है, इतना ज्यादा संतमक और प्रतमक, ऐसे दो भेद बताए। उसी तरह से श्वास युक्त व्यक्ति को अगर देखें तो इयोसिनोफिल बढ़ा हुआ रहता है, इयोसिनोफिलिया होता है, ईएसआर वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ईएसआर भी बढ़ा रहता है, इयोसिनोफिल भी बढ़ा हुआ रहता है, जुकाम, श्वास और एलर्जी तो बहुत ज्यादा रहती है, उसको स्किन में भी बहुत ज्यादा खुजली वगैरह आती है, दांत, चर्म रोग ऐसे होने लगते हैं। तो इसमें सबसे पहले निदान परिवर्जन करना जरूरी होता है आयुर्वेद के हिसाब से, मतलब क्या चीज के वजह से ये हो रहा है, ठंडी चीज खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स ने एडमिट करा के भी दही, हाई प्रोटीन डाइट ऐसा बोल के पनीर का सेवन करा है, तो वो पेशेंट का जीना और ज्यादा दुश्वार हो गया, क्योंकि अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं एलोपैथी में। मैं किसी पैथी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, सारी पैथियां अच्छी हैं, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि आयुर्वेद क्या बोलते हैं उसको भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और एलोपैथी क्या बोल रहे हैं उसको भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कोई पैथी गलत नहीं है, हर पैथी का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, जो ऐसे ओमिक्रॉन का अटैक अगर आ रहा है, फोर्थ वेव आ रहा है, तो इसमें हम श्वास कुठार रस, दो रत्ती, सीतोपलादि चूर्ण एक माशा, अर्कशार, दो रत्ती, मृगशृंग भस्म, दो रत्ती, त्रिकटु चूर्ण, दो रत्ती, यष्टि मधु, दो रत्ती, कफ केतु रस, टंकन भस्म, इनकी पुड़िया बनाकर एक एक पुड़िया 3 बार शहद के साथ चाटने के लिए दे सकते हैं। फिर कर्पूर हिंगू वटी का प्रयोग कर सकते हैं, एक एक गोली सुबह शाम, भारंगी भारंगी आदि कात, कनक कासव का प्रयोग कर सकते हैं, वासापत्र स्वरस, अदरक स्वरस, तुलसी पत्र स्वरस शहद के साथ दे सकते हैं। जैसे श्वास रस, चिंतामणि रस, मतलब पेशेंट के कंडीशन के हिसाब, मैं सामान्य चिकित्सा बता रहा हूँ, बाकी आप लोग बताइएगा इसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं जब भी हमारे पास पेशेंट ऐसे आए तो। समीर पन्नक रस, अब्रक भस्म, फिर कल्पतरु रस, महालक्ष्मी विलास रस, श्वास कुठार रस, त्रैलोक्य के चिंतामणि रस, चंद्रामृत रस, मल्ल सिंदूर, हेम गर्भ पुट्टली रस, आनंद भैरव रस, ताम्र भस्म, लवंगादि वटी, एलादि वटी, तालीसादि वटी, व्योषादि वटी, अपामार्ग क्षार, अश्वगंधा क्षार, दशमूल क्वाथ, ये सब का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और पेशेंट को श्वास कृच्छता है तो लघु विरेचन, क्योंकि तमकेतु विरेचनम ऐसा बोला है, और तमक श्वास जो है वह पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, आमाशय समुद्भव बताया, थोड़ा विरेचन करा दिया तो वायु का गति अनुलंबित होगा और पित्त भी कम हो जाएगा, और पित्त स्नान संभव है तो पित्त पे ही हम लोग चिकित्सा करें। तो तमकेतु विरेचनम, रात को सोते समय हरित की चूर्ण दे सकते हैं, त्रिफला चूर्ण दे सकते हैं, या फिर दीन दयाल चूर्ण दे सकते हैं, त्रिवित लेहम दे सकते हैं, तो इससे पेट सुबह से साफ हो जाता है। छाती पर सरसों का तेल और सेंधा नमक डाल के थोड़ा अभ्यंग कर सकते हैं, नाड़ी स्वेद दे सकते हैं। और दूसरा, प्राणवायु को अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें क्या करना होगा, मात्रा बस्ती देते हैं, अगर मात्रा बस्ती देते हैं ना तो श्वास का वेग बहुत अच्छे से कम हो जाता है। अभी आप लोग बताइए, आप लोग का क्या कहना है इस पे, क्या विचार है? डॉक्टर आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर। सर, जैसे वेस्टर्न मेडिसिन में यूजुअली अगर जैसे सांस की कोई कष्ट होती है तो हम उसको यूजुअली मोटा मोटा दो में तोड़ते हैं, अपर रेस्पिरेटरी है कि लोअर रेस्पिरेटरी है। तो अपर रेस्पिरेटरी में
ऊपर जब हम मुंह खोल के देखेंगे तो पीछे जो फेरिंग्स रहता है उसमें लालिमा मिल सकती है, कफ में बस मतलब खांसी आएगी, ऊपर के सिम्टम्स होंगे, लेकिन जब हम चेस्ट में वो आला रखेंगे तो चेस्ट क्लियर रहेगा, तो मतलब कोई भी अबनॉर्मल साउंड्स नहीं मिलेंगे चेस्ट में। तो अपर रेस्पिरेटरी में तीन चीजें रहती हैं मोटा मोटा, कि या तो खांसी सूखी है कि गीली है, और अगर सूखी है तो अलग ट्रीटमेंट रहता है, गीली है तो उसमें अगर पस है कि सफेद कफ है कि ब्लडी है, वो ब्लडी तो रेयर रहता है, पस है कि सफेद कफ है, ये दो चीजें। फिर उसके बाद अगर जैसे अगर सफेद कफ है तो लंबे समय की खांसी हो सकती है, रिएक्टिव हो सकता है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर वायरल भी हो सकता है। पस है तो मतलब पीला रंग का अगर बलगम है तो बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हुआ है, और अगर सूखी खांसी है तो कोई एलर्जी, या मतलब जैसे आपने बोला ना कि वायु पॉल्यूशन, एलर्जी, धूल, इस सब में भी मिल सकती है। और आपने जैसे बोला ESR बड़ा रहता है, इओसिनोफिल्स किसी किसी खांसी में बड़े जरूर पाए जा सकते हैं, तो अगर जरूर इओसिनोफिल्स अगर तो मतलब खून के लेवल पे एलर्जी हो रही है, मतलब गहरे जरूर लेवल जरूर पे। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हमें जैसे एक्सरे चेंजेस मिल सकते हैं, या सीटी स्कैन चेंजेस अर्ली में मिल सकते हैं, और उसके अलावा ऑस्कल्टेशन में मतलब जब आले लगाते हैं तो अलग अलग साउंड्स मिल सकते हैं। फिर क्या है, खांसी किसी भी कारण, जैसे कोई और कारण है कि कुछ अंदर कुछ जमा हो गया, या कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो गई है, या पानी भर गया है, तो उसमें फिर अलग तरह का ब्रीदिंग पैटर्न मिलता है। और अगर मतलब सांस की दिक्कत में फिर हम रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, फिर उसका पेशेंट का एफर्ट देखते हैं कि किस तरीके से वो सांस ले रहा है। फिर अगर जैसे बच्चे हैं तो हम जब बच्चा लेटा रहता है तो उसका लोअर रिब्स रिट्रैक्शन देखते हैं कि मतलब सांस में एफर्ट लगता है, तो पेट और जहाँ पे रिब्स रहते हैं ना उसके बीच में वहां पे वो मसल कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, सांस तेज चल रही होती है। फिर जब जिस इंसान की सांस तेज चलती है उसको बैठने का ही मन करता है, या प्रोन पोजिशन पे, या आगे झुक के बैठने का मन करता है, क्योंकि उस पोजीशन पे जो डायफ्राम रहता है वो नीचे की अवस्था पे रहता है। और नींद डेफिनेटली, जिन लोगों को लंबे समय की सांस की प्रॉब्लम है उनकी नींद तो इफेक्ट होगी, और भूख भी इफेक्ट हो जाएगी, तो वो भी रहता है, खाना पचता नहीं है, भूख लगती नहीं है, नींद भी नहीं आती है, सब कुछ इफेक्ट रहता है, क्योंकि इंसान को हर वक्त सांस लेना पड़ता है। और लंबे समय पे जब कोई खांसी चलती है तो फिर वहां पे चेंजेस आने लगते हैं छाती में, वो जो बार बार कफ बनता है वो फिर जमा होने लगता है, और फिर वो जमा करके उस एयर वे को छोटा करने लगता है, तो फिर वो उससे और भी मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कफ का अनुबंध, ऐसा कुछ नहीं, उसमें हम लोग बोलते हैं कि क्रोनिक रिएक्टिव एयर वे डिजीज विद मतलब सिक्रीशन का डिपोजिशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, उसको फिर ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। किसी किसी को कुछ हाइपर एलर्जी रहती है, या किसी से सेंसिटिविटी रहती है, ज्यादा सही वर्ड है, उनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज मतलब लंग के बीच में कुछ डिपोजिशन होने लगता है, बार बार उनको सांस कष्ट होता रहता है नीचे का, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जैसे हमारी वेस्टर्न में उसका ज्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आयुर्वेद से मैंने देखा है लोग ठीक हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टाइप के फिनोमिना में इसको काउंट किया जा सकता है। मोटा मोटा मतलब जो अभी मेरे को याद आ रहा है प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को कुछ और ऐड करना हो तो कर सकते हैं। हाँ कंचन मैम, आपने कोविड के टाइम पे क्या क्या प्रोटोकॉल यूज किया था, कैसे आप लोगों ने ट्रीट किया था? प्रणाम सर। हम लोगों ने तो जैसे जैसे आपने अभी बताया, बहुत अच्छा बताया सर। उसमें जैसे हमने श्वासारी रस, सीतोफलादी, अभ्रक भस्म, टंकन भस्म का बहुत यूज किया है, त्रिकटू का भी बहुत यूज किया है मैंने, और श्वासारी क्वाथ, मुलेटी क्वाथ का भी यूज बहुत अच्छे से होता है, त्रिभुवन कीर्ति है, लक्ष्मी विलास रस है, संजीवनी वटी भी बहुत मैंने चलाई। फिर बीच में जैसे ये कोरोना का पीरियड जैसे पीक लेवल पे था, तो हम इन्होंने कोरोनिल किट करके निकाला था, उसमें कोरोनिल टैबलेट, कोरोनिल वटी आती थी, और मतलब अभी भी आ रही है, और उसमें जैसे कि उसकी कंटेंट जो थे एकदम सिंपल, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी,
उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है सर मैंने। और अनुतेल का नस्या हम लोगों ने दिया है काफी, श्वासारी वटी उसके साथ आती थी, कोरोनिल किट में कोरोनिल वटी, श्वासारी वटी और अनुतेल का एक बॉटल ऐसे देते थे सर। अभी भी हम इसको चला रहे हैं काफी अच्छे से और श्वासारी वटी का रिजल्ट भी अच्छा आता है। और इसमें अभी इन लोगों ने श्वासारी गोल्ड भी निकाला है तो उसके रिजल्ट भी काफी अच्छा है सर। और जैसे मैंने तो जितने भी पेशेंट इनिशियल फेज में देखे थे तो बहुत बार पेशेंट डरते थे टेस्ट कराने के लिए कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, पर हम लोगों ने चलाया और रिजल्ट बहुत अच्छा है। हो सकता है वो पॉजिटिव भी रहे होंगे पर कभी किसी को फोर्स नहीं किया सर कि मतलब आप इन्वेस्टिगेशन करो और फ्री मेडिसिन खाओ, जस्ट इसलिए क्योंकि कोरोनिल टैबलेट जो है इसमें सभी जैसे हमने देखी है गिलोय अश्वगंधा और तुलसी ये सब रसायन जैसे ही काम कर रहा था, तो मैंने तो स्टार्ट करा दिया था हर एक पेशेंट में और बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आए थे। मतलब कोई ऐसे क्रॉनिक कंडीशन में नहीं गया है उसको, कोई मतलब उसके उपद्रव नहीं दिखे मैंने बाद में, ना ही वो कि इमरजेंसी कंडीशन आई उसको, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। एकदम आराम से जैसे सर्दी खांसी बुखार हम जैसे बचपन से देखते आए हैं उसी तरीके से वो नॉर्मल हो जाता था सर। 7-8 दिन में एकदम पेशेंट नॉर्मल हो जाता था, बैक टू वर्क भी चला जाता था, उसको टेस्ट वेस्ट कराया नहीं बहुत सारे लोगों ने। मतलब इवन हम लोग भी वर्किंग थे तो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत सर्दी खांसी स्टार्ट हो गया था घर में सभी, क्योंकि हस्बैंड भी डॉक्टर है तो वो सब मतलब हमारे सोसाइटी में तो बिल्कुल काम वाली आने जाने वाले सब चल ही रहे थे बहुत सारी जगहों पे, तो सब हम लोगों ने मतलब उन लोगों ने तो बंद करके रखे थे। हम लोगों का तो ऐसे था कि पूरी बिल्डिंग ही डॉक्टर्स की थी, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। पहले शुरू शुरू में बहुत किया फिर बाद में छोड़ दिया था सर, पर बहुत अच्छे मतलब मेरे घर में टच वुड कोई बीमार नहीं पड़ा वो उन दिनों में। जी सर। मैम ये पतंजलि की है क्या सारी मेडिसिन? जी मैम। वटी अनुते ये श्वासारी गोल्ड? जी जी। ओके थैंक यू। और मैम आरती मैम आपने क्या दिया था? आरती मैम है, आरती शर्मा मैम, और किसी का कोई अनुभव है तो बताइए आप लोगों ने क्या किया था कोरोना के टाइम पे, अभी क्या करना चाहिए कुछ बताइए आप लोग। तकदीर सिंह जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, या विनीता मैम, मुनीश शर्मा मैम कुछ बोलिए आप लोग, अर्शिया मैम कुछ बोलना चाहती हैं, शशि मैम? प्रणाम सर। आप प्रणाम मैम, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। सर मेरा एक्सपीरियंस जैसे उन्होंने कंचन मैम ने बहुत अच्छा बताया, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैंने मेरे घर में भी 4-5 लोगों को हो गया था, तो मैंने तो उसको क्या किया था कि जैसे फीवर था और तो उसमें हमने महासुदर्शन घन चलाई थी, जैसे 4 टैबलेट CDS करके, और उनको खाने के लिए ना बिल्कुल बहुत ही माइल्ड रखा था। जैसे 1-2 दिन तो हमने क्या किया कि जो जिनको भूख नहीं थी उसमें हमने उनको कंप्लीट लंगन करा के सिर्फ गर्म पानी पिलाया और महासुदर्शन घन टैबलेट खिलाई, और उसके बाद जब फर्स्ट डे ऐसे किया और सेकंड डे त्रिकटु चूर्ण देके उसको वो दिया, फिर थर्ड डे से फिर उनको माइल्ड सूप पे और जो है दाल पे रखा था। तो थर्ड डे आते आते जो है ऑलमोस्ट जो है जैसे मेरे फैमिली के 4 लोग थे, फिर उनकी रिकवरी बहुत फास्ट शुरू हो गई थी। फिर हमने उनको धीरे धीरे यवागो और उस पे लेके आके और फिर धीरे धीरे खाना शुरू किया था। और कुछ लोगों में हमने क्या किया था कि जैसे सितोपलादी चूर्ण है, थोड़ा सा गुदंती मिलाया, थोड़ा मधुयष्टि मिला के उनको चाटन के लिए दिया था। और किसी किसी पेशेंट में जैसे हमने उनको हमारे पास में कैडिला की हेपा सेव आती है तो उनको वो स्टार्ट किया था। तो हर पेशेंट का इंडिविजुअली जैसे जैसे किसी किसी के जो है वो डायरिया के सिम्टम्स ज्यादा थे, किसी के अपर रेस्पिरेटरी के ज्यादा थे, किसी का इनडाइजेशन का ज्यादा था, तो अकॉर्डिंगली हमने पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट चेंज करके और जो हमारा बेसिक सिद्धांत है लंघन दीपन पाचन का उसी तरीके से सर हमने ट्रीटमेंट किया था। जी सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर बताइए। सर मैंने कोरोना में जो 2 लहर जो आई थी उस पर बहुत जबरदस्त काम किया था, करीबन मैंने 60 पेशेंट ही किए थे इससे कोरोना से कोरोना के, और इसमें जो भी ट्रीटमेंट दिया गया वो पेशेंट को देखते हुए दिया गया कि भाई पेशेंट किस कंडीशन में है, क्योंकि पेशेंट घर पे भी थे, पेशेंट आईसीयू में भी थे, पेशेंट ऑक्सीजन पे भी थे, पेशेंट वेंटी पे भी थे,
पर एक सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई सर इसमें। और सबसे बड़ी चीज कि जब भी मतलब ये ट्रीटमेंट दिया गया कोविड पॉजिटिव पेशेंट का, उसमें हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल बनाया था कि भाई हमें अपना एक कोविड डाइट प्लान करना है जो करीबन 3 दिन तक तो कम से कम हर पेशेंट लेगा। उस कोविड डाइट में हम लोगों ने शुरू का पहला दिन तो सिर्फ लंगन ही कराया, जिसमें कोई खाना नहीं खाएगा, सिर्फ गुनगुना पानी पूरे टाइम पिएगा। सेकेंड डे और थर्ड डे आपका नारियल का पानी हो गया, या आपका पतली खिचड़ी हो गई, आपकी आपकी ये कहते हैं मूंग की दाल का सूप हो गया, इस टाइप का डाइट प्लान उनको किया था। और जो पेशेंटों को हाई ग्रेड फीवर था 104-105, जिनका बुखार उतरते नहीं था, उनके लिए हम लोगों ने कस्तूर भैरव रस, जयमंगल रस, इस टाइप की दवाइयाँ यूज की। और एक जो कॉमन दवाइयाँ थी जिनको माइल्ड और मॉडरेट था, उनके लिए त्रिभुवन कीर्ति रस, सीतोपलादि चूर्ण, आपका जयमंगल रस, माँ सुदर्शन घनबट्टी, ये दवाइयाँ दी। और मैंने ये भी देखा कि मेरे पेशेंटों ने बोला कि साहब जब माँ सुदर्शन काढ़ा जब हम पीते हैं तो 30-40 ml में पिलाता था तो उससे इमिजिएटली बुखार उनका डाउन होता था, या जयमंगल रस जब खाते थे वो तो उनका फीवर उतरता था। और कई पेशेंट ऐसे थे कि जिनको 8-8 दिन कंटिन्यूशन में उनको 104-105 फीवर रहा, पर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया जयमंगल रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, कस्तूरी भैरव, माँ सुदर्शन घनबट्टी, आपका महालक्ष्मी विलास रस, इससे वो बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हुए। और धीरे धीरे उनका जो फीवर था वो ग्रेजुअली कम हुआ, जैसे कभी 104 था तो 2 पॉइंट कम हुआ, 103 पे आ गया, फिर नेक्स्ट डे फिर 2 पॉइंट कम हुआ, 103 से 102 पे आया, ऐसे करते 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 7-8 डेज में 99 पे आके फीवर रुक जाता था। और कई पेशेंट ऐसे भी थे जो आईसीयू में थे जिनका सेचुरेशन करीबन 78-90 के आसपास चलता था, उसमें सर हम लोगों ने आपका अभ्रक भस्म में 1000 पुटी, श्वास कांस चिंतामणि, महालक्ष्मी विलास रस, त्रिलोक चिंतामणि रस, चंद्रामत रस और हीरक भस्म, इसका फॉर्मुलेशन बना के हम लोगों ने दिया। और मतलब पहली दूसरी डोज से ही इसमें सेचुरेशन में अंतर आने लगता था, जैसे ही आपका 2-3 घंटे में देते थे तो उनका 70-80 जो सेचुरेशन होता था वो 90-92-93-94 करके नॉर्मल आ जाता था। और हमने काफी सर आईसीयू के पेशेंटों को 4-4, 5-5, 7-7 दिन में उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कराया और उनका सेचुरेशन बहुत अच्छे से बढ़ाया। तो सर बहुत जबरदस्त काम किया था। एक केस था मेरा, एक माता जी थी करीबन 86 ईयर्स ओल्ड लेडी थी, उनको कोविड हुआ था और वो उनका वजन मुश्किल से 38 या 39 किलो था। मैंने उनको 14 दिन दवाइयाँ दी थी और 14 दिन में मतलब मुझे तो लगा था कि ये मुश्किल है, ये निकल पाएंगी, ये बच पाएंगी, लेकिन वो महिला मतलब 14 डेज मेडिसिन लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी। और उसमें जो दवाइयाँ थी वो 4 मेन दवाइयाँ थी, महालक्ष्मी विलास रस, त्रिलोक चिंतामणि रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, सीतोपलादि चूर्ण और मांसलोचन धनबटी। इस दवाई से वो बिल्कुल 14 डेज में ठीक हो गई थी। उनके घर वाले भी आश्चर्य कर रहे थे कि माता जी बच कैसे गई, क्योंकि ये वो समय था जब यंग लोग थे, मतलब 35-40, 40-25 साल के लोग एक्सपायर हो रहे थे। तो सर बहुत बढ़िया दवाइयां हैं अपने आयुर्वेद में कोविड के लिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने और इतना कॉन्फिडेंस भी दिलाया सभी लोगों को कि आयुर्वेद में है। सर बिल्कुल है सर, मैं बोल तो रहा हूँ सर, मेरे यहाँ पे डॉक्टर हनुमंत राय हैं, अभी आप अपने ग्रुप में साथ में ही, हमारे जो नीमा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर बद्री पटेल, वो भी आयुर्वेदिक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारे यहाँ के। उन्होंने 10 डेज एलोपैथी मेडिसिन लिया था और एकदम मतलब 10वें दिन वो मोशन करने गए तो एकदम वो उठ ही नहीं पाए, उनका सेचुरेशन एकदम डाउन हुआ। तो तुरंत हम लोग भागे सिटी स्कैन कराने के लिए, वहाँ पे उनको बायलैटरल निमोनिया बोथ साइड निकला और इतना कंफ्यूजन था कि बेड नहीं थे, मारा मारी थी सेकंड वेव में, पूरा घर कंफ्यूज हो रहा था कि यार यहाँ रहना है कि बाहर चलना है, बाहर रुकना है कि यहाँ इलाज लेना है।
सर उस समय मेरी माँ को भी ये हुआ था कोविड, तो मैं उनका ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक दवाइयों से घर पे कर रहा था। तो मैंने उनकी जो उनकी वाइफ थी, मैंने उनको बोला था कि आप मुझे 24 घंटे का समय दें, अगर 24 घंटे में रिकवरी नहीं आती है तो आप जहाँ भी चाहो आप हेड सेंटर में उन्हें शिफ्ट कर लेना। और यही फॉर्मुलेशन से वो 24 घंटे में उनका जो ऑक्सीजन 10 और 12 पे चल रहा था वो ग्रेजुअली एक दिन दो दिन में कम होके 2 पे आके 5 दिन 6 दिन में वो आईसीयू से बाहर निकल के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो गए थे। तो सर इमरजेंसी के लिए भी ये जो फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताया, जो आपने भी हम लोग को बताया, ये बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू सर। सर ये चंदामृत रस आप कौन सी कंपनी का यूज किए थे? सर हमारा धनवंतरी का आता है, हम वो यूज करते हैं, अच्छा काम करता है। इसमें जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस है जो इमरजेंसी में जो आईसीयू में पेशेंट है और उसको बायलेटरल निमोनिया हुआ है, 70-80% लंग्स कोलैप्स है, वहां पे आप श्वास कांस चिंतामणि रस, स्वर्णयुक्त समीर पन्नक रस, अबरक भस्म 1000 बुटी, हीरक भस्म, महालक्ष्मी विलास रस और त्रिलोक चिंतामणि, इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम किया है। और चंदामृत रस अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम लोग लगाते थे। सर हमारे सागर में जयमंगल रस शॉर्ट हो गया था, त्रिलोक चिंतामणि शॉर्ट हो गया था, महालक्ष्मी विलास नहीं मिल रहा था, हीरक भस्म शॉर्ट हो गई थी, बहुत मारा मारी थी सर सेकंड वेव में। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर मंदाकिनी मैम। हाँ सर मुझे बताना था सर, मैंने इतने सीवियर पेशेंट तो नहीं ट्रीट किए थे, लेकिन मैंने जो मेरे पास मेरे अपने पड़ोसी थे तो उनमें मैंने सर दो तरह के लोग देखे थे, एक तो वात डोमिनेंट वाले और एक कफ डोमिनेंट वाले। तो सर वात डोमिनेंट वालों में मैंने सबसे पहले सर दशमुलारिस्ट, और जैसे कि हमारा हमारी जो अपनी ओपीडी है, मतलब ओपीडी कह रहे हैं सॉरी, हमारा जो क्लिनिक है उसमें दशमुलारिस्ट और कनकाशव और पुष्कर मूल तो हमेशा रहता ही रहता था। तो सर उस समय तो मैंने दशमुलारिस्ट और कनकाशव दिया था, और जैसे जो वात डोमिनेंट वाले थे जिनमें ज्यादा खांसी सूखी खांसी थी, और सर मैंने उसमें सीतोपलादी यष्टि मधु और सूत शेखर रस प्रवाल पिष्टि और अभ्रक भस्म यूज किया था। और सर उसके साथ में फिर मैंने जो ये अगस्त हरित के रसायनम जो आता है ना पटक्कल वाला, वो सबको दिया था मैंने। फिर जो सर जो कॉपर डोमिनेंट वाले थे उनमें मैंने कनकासव प्लस ये क्या कहते हैं पिपली चूर्ण और पुष्कर मूल चूर्ण ये, और इसमें तालीसादी चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण और टंकड़ भस्म और अभ्रक भस्म, ये इन सबों का कॉम्बिनेशन दिया था। साथ में सर जैसे फीवर था तो सुदर्शन घनवटी, समसमनीवटी, महालक्ष्मी विलास रस, और सर ये जो जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था ना ये इसका तालीसादी यष्टि वाला, उसमें मैंने सीतोपलादी मिलाया था, पिपली चूर्ण भी मिला दिया था। और सर मैंने सबसे बढ़िया मुझे इसमें रिस्पॉन्स मिला था पटोल कटु रोहिणी आदि कषायम का, और त्रिभुवन कीर्ति था। और सर दूसरा कि जैसा कि मैं रोज आजकल वीडियोस डाल ही रही हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज पैटर्न वाले, सर वो ये जो मरीज कुछ इन पे मैंने देखा था कि ये हमारे जो जिनको खांसी लेने में प्रॉब्लम होती थी है ना, उन मरीजों को जिनका चेस्ट काफी बन गया था, तो उनको सर वो तिल के तेल में नमक डलवा करके उनका सिकाई करवाना और फिर उसके बाद उसका क्या कहते हैं मसाज कराना, फिर सिकाई कराना। और सर मैंने धूमपान दिया था, तो सर मेरे को जब समझ में कुछ नहीं आता था ना, और एक टाइम ऐसी मारा मारी हो गई थी कि ना कि कोई औषधि भी ढंग से नहीं मिल रही थी, तो सर हल्दी का ही धूमपान या फिर जैसे कि यव होता था ना रूक्ष करके, या फिर गुगुलू घर पर रखा होता था ना सर, उसका भी धूमपान मतलब मैं नस्या के बाद दिलवाने लग गई थी। और हाँ गार्गलिंग था वो भी करते थे। और साथ में सर जैसे कि जब मैंने तो ज्यादा सीवियर पेशेंट नहीं ट्रीट किए, तो उनको अनुलोम विलोम वगैरह कराती थी है ना। और सर मैंने जैसे कि क्या करती थी ना मैं कि कुछ मतलब जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम में भ्रामरी इंक्लूड करके देती थी, भस्त्रिका देती थी सर मैं उसमें, मेडिटेशन करती थी, और क्या कहते हैं कि बाकी जो आसना जो चेस्ट के लिए होते हैं ना वो आसन ठीक है, लाइक उष्ट्रासन, चक्रासन, त्रिकोण आसन हुआ, अर्ध मत्स्येंद्र हुआ, और आकर्ण धनुरासन, ये भुजंग आसन वगैरह सर मैं ये सारे आसन देती थी। तो उसमें मुझे मतलब काफी इससे हुआ था। और जिनमें जैसे कि तमकेतु विरेचने, तो वो विरेचन तो मैंने दिया ही दिया था, क्योंकि एरंड तेल तो हर मतलब हमारे पास रखा ही रखा रहता था, तो एरंड तेल से देते थे। फिर सर मैंने जैसे कि जिन लोगों को ज्यादा कफ हो रहा था उनको कुंजल भी कराया था इसी में ही सर। हाँ इतना ही था सर, थैंक यू।
और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। यहाँ पे शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? शशि तिवारी मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। ऐसे तो मतलब कोविड वगैरह के पेशेंट्स को नहीं ट्रीट करे थे उस टाइम, फर्स्ट और सेकंड वेव में। कुछ लोग का था ओपिनियन थोड़ा बहुत दिया था। हम लोग को जब खुद ही हुआ था सर, जब मैंने सेशन ज्वाइन किया था शुरुआत में, जब मैंने आपको बताया था उसी के थ्रू एडीएफ ज्वाइन किया था, तो कोविड टाइप के थे सबको, मतलब थोड़े बहुत। सबसे पहले मुझे ही हुआ था, फीवर था और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब कफ कोल्ड था। तो मेरा तो 3-4 दिन में सबसाइड हो गया था, क्योंकि मैंने उसमें लगभग 2-3 दिन लंघन भी किया था। और घर में सबका मतलब ऐसे ही हुआ, सबको लगभग लगभग ठीक हो गया था। लास्ट में जब देवर्क हुआ था तब प्रॉब्लम हुई थी, तो उसका फिर टेस्ट कराया गया तो उसका कोविड पॉजिटिव आया था। तो उसके केस में थोड़ा सा वरी हो गए थे, लेकिन सबको वही था कि थोड़ी बहुत मेडिसिन से, जैसे उसने तो पीसीएम वगैरह ली थी और मैंने उस वक्त महासुदर्शन घनवट्टी ली थी, और स्वासारी गोल्ड जो आता है पतंजलि का वो मैंने मंगाया था, वो लिया था। साथ में मैंने काढ़े पिए थे, यही सब सारी चीजें किया था सर मैंने। तो ये चीज था, और हमारे घर में और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट सबको हुआ था एक साथ जब शुरू हुआ था सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है? पूजा मैम, पूजा भावसार मैम, आपने कैसे किया था उस टाइम पे, कुछ एक्सपीरियंस है? डॉक्टर पूजा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हेलो। हाँ मैम बताइए। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। हाँ सर, मैंने कोविड में काफी पेशेंट किए थे सर ट्रीट, और आई थिंक मैंने तब अपना प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, तो मेरे हस्बैंड को भी मैंने लाया था आफ्टर रिकवरी, आपने मुझे बोला था लाने के लिए। जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए मैम। हाँ सर, और एक मेरा क्रिटिकल पेशेंट था जो कि आफ्टर उसको 2 कोविड का अटैक हुआ था, शी 70 इयर्स प्लस लेडी थी, उनको ये था हुआ था प्लूरल रिफ्यूजन आया था सर उनके लंग्स में। तो उनको मैंने उनका यहाँ के केस डिस्कस किया था अपने आयुष दर्पण पे लास्ट ईयर, तो उसको हीरक भस्म समीर पन्नक और सर ने अभी जैसा बताया ना वही पूरा चलाया था मैंने, त्रैलोक के चिंतामणि रस, मकर ध्वज, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म। हेलो। हाँ सर, अभी वो सब वो अभी पूरी तरह ठीक है सर। आपने अपने हस्बैंड को क्या क्या दिया था वो बताइए? उनको मैंने महालक्ष्मी विलास रस दिया था, पहले तो मैंने आरोग्य वर्धिनी आंपा चकवटी दिया था सर आपका, मेरे पास आंपा चकवटी अवेलेबल हुआ था। हाँ। आपसे ही मंगाया था मैंने, तो आंपा चकवटी पहले से पहले लंगन पे डाला, फिर आंपा चकवटी मंगा के आरोग्य वर्धिनी दिया, उसके बाद फिर महालक्ष्मी विलास रस, और मेन मैंने षडंग पानी को बहुत प्रेफर किया था सर ये पूरे वेव में, और मुझे काफी हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले षडंग पानी के, लंघन दीपन पाचन के साथ षडंग पानी और सुंठी शुद्ध, अगर षडंग पानी नहीं अवेलेबल हो रहा है तो सुंठी शुद्ध जल, और प्रथमन मत्स्य का भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है सर। शुंठी पाउडर का मैंने प्रथमन मत्स्य भी दिया था पेशेंट्स को जो मेरे घर नहीं आ पा रहे थे या मिल नहीं पा रहे थे, उन लोगों को आनू तेल के जगह पे ये भी उसके भी अच्छे रिजल्ट मिले थे सर मुझे। हेलो। हाँ मैम। हाँ। और डॉक्टर नलिनी मैम, आपकी बेटी को भी कोविड हुआ था, आपने क्या प्रोटोकॉल यूज किया था? डॉक्टर नलिनी मैम सुन पा रही हैं? प्रणाम सर। हाँ मैम सर, उसको भी मैं शुरू में थोड़ा लंघन दिया था एक दिन, और माधव रसायन पट्टी ये चलाई थी, जय मंगल रस, महासुदर्शन घनवटी, 8-10 दिन में अच्छी हो गई थी सर वो। ठीक है, तो अभी हम ऐसा शुंठी पाउडर और शहद भी दिया था सर। सर सर एक डाउट था एक्चुअली, मैं मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, ये जो आईसीयू में जो 100% ऑक्सीजन पे सेचुरेशन कम रहता है ना, उसमें रसोशरीज के साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। एक पेशेंट मेरा बिगड़ा था जो बच नहीं पाया था सर, जैसे आपने बताया और दूसरे सर ने भी बताया कि जैसे त्रैलोक चिंतामणि, श्वासकाश चिंतामणि और हीरक अभ्रक और जय मंगल, श्वास कठोर, श्वास हरिरस, और सर एक पेशेंट था एक्यूट ल्यूकेमिया का, उसके लंग्स में ना ब्लीड कर रहा था, मतलब लंग्स में मास था जो किसी वेसल को बार बार ब्लीड कर रहा था। तो सर उसमें मुझे
मतलब 24 साल का ल्यूकेमिया का मरीज था, अदरवाइज उसकी अग्नि सब अच्छी थी। वो जैसे 2 लाख काउंट्स के साथ आया था और अभी शुरू में ठीक था, उसकी सांस फिर बढ़ने लगी और एकदम से वो पहले ऑक्सीजन पे गया, फिर वो वेंटिलेटर पे गया। जब उसका चेस्ट सीटी किया गया तो उसमें ब्लीड आई है। तो वो पेशेंट को शुरू में तो सारी एंटीबायोटिक्स दी थी, इतनी एंटीबायोटिक्स दी थी कि 3 दिन में उसका शायद एंटीबायोटिक्स और डायलिसिस सब मिला के 3 दिन में 8 लाख का खर्चा आ गया था। तो फिर मैंने रक्तपित्त की चिकित्सा करते हैं, सिंपल है, रक्तपित्त की चिकित्सा करते हैं, जैसे सारीवा अनंता कल्प है, शतावरी कल्प है, रक्त ऊर्ध्व रक्तपित्त की चिकित्सा करते हैं ना, तो एकदम ठीक हो जाते हैं। वासा वासा भी काम करता था सर, वासा कल्प, हाँ, अड़ुलसा का कल्प आता है, बहुत अच्छा, दुर्वा देते, दुर्वा घृत, वासा घृत, हाँ, दुर्वा घृत भी अच्छा काम होता है। सर सारीवा वासा दुर्वाघृत अनंता और क्या ऑप्शन सर अपने ऐसे बहुत सारे ये लोग अपना अपना मत बताए। रक्त पित्त की चिकित्सा देखिए सर, उर्ध्व रक्त पित्त में जो जो दवाइयां हैं ना अष्टांग हृदय में, वो सब इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ल्यूकेमिया वगैरह आप वो मत सोचिए, आप रक्त पित्त देखिए। ओके सर, उसको बुखार नहीं था लेकिन, हाँ हाँ, लेकिन हाँ रक्त तो था ही, हाँ, तो ऐसा है ही नहीं ना, रक्तपित्त की चिकित्सा में बुखार रहेगा ऐसा है ही नहीं। हाँ जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। अब डॉक्टर आदित्य सर आपके पास जो भी पेशेंट आएंगे ना ऐसे क्रिटिकल केसेस, आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको आयुर्वेद का, ठीक है। और कोई बताना चाहता है तो बताइए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, फिर कल मिलेंगे। सर वो मेरा लीव हो गया था, सॉरी सर। हाँ सर, जब भी आपके पास ऐसे केसेस आए ना तो आप हमारे यहाँ फोरम पे आके डिस्कस किया करिए, आयुर्वेद में उस बीमारी को क्या कहते हैं, कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपको और अच्छा रहेगा। ठीक है सर, वो ऊर्ध्वक रक्तपित्त ही था। अच्छा ठीक है सर, ऊपर की तरफ से ब्लड आ रहा था। जी सर ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है, डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, डॉक्टर लक्ष्मी मैम, डॉक्टर हनुमंत राय जी, हाँ, जी सर, नमस्ते सर। आप बताइए, आप लोगों ने कोविड के टाइम पे क्या दिया था? सर कोविड के टाइम पे तो हम लोग क्या आयुष फास्ट संस्मरणीय वटी आयुष 64 और अगर सहित की रसायन, यही 4 कॉम्बिनेशन हम लोग देते थे, कफ कोल्ड विद फीवर, पूरा ये कॉम्बिनेशन चला देते थे, काफी मतलब पेशेंट को आराम मिलता था इससे अच्छा खासा उन लोगों को। और सर सांस के वही सुबह से नहीं ठीक होते बिल्कुल भी, हल्का फुल्का आराम मिलता है उससे ज्यादा नहीं। नहीं आप क्या सिम्टम है वो बताइए तो हम बताएंगे ना क्या। नहीं सर जैसे हम लोग के तो गवर्नमेंट ओपीडी में पेशेंट आता है वो भी सोचता है बस जल्दी से दवाई मिल जाए, और पूछो तो बस कह रहे बस सांस फूलती है, जीना चढ़ते वक्त फूलती है, और बस सांस फूलती है, आप सांस फूलने की दवाई दे दीजिए, आप क्या वो जो सांस बढ़ाना चाहता है वो दे दीजिए। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग भी मूड सोचते क्या पूछे, ठीक है दे दो यही मसाले, मसाले दे दो। तो ज्यादा डिटेल ले ही नहीं पाते हैं उन पेशेंट की, क्या है समझ आएगा ना कि दही खाने से हुआ है क्या, बारिश में भींगने से हुआ है क्या, खांसी जुकाम से हुआ, क्या हेतु क्या मिला है? नहीं सर एक्चुअली हेतु नहीं मालूम पड़ पाता वहां पे मुझे, वैद्य बहुत बार ट्राई करती हूँ मगर हर बार फेल हो जाता है, कुछ भी पूछो पेशेंट रिस्पॉन्स ही नहीं देता कभी कभी तो नहीं बस अभी जैसे सर आज ही ओपीडी में 2-3 केसेस आए थे जिनको सांस की प्रॉब्लम थी, मतलब उनको लेटने पे सांस ज्यादा फूलती है और देर से दिनचर्या तो सर खैर उनकी खराबी है, दिन भर बैठे रहना है और बिजनेस है उनका अपना, बस इससे ज्यादा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया सर, और तो कुछ सर मुझे नहीं मिला उसे। सर एक चीज और सर, अनंता और अनंत मूल अलग अलग है ना, अनंत मूल तो सेम ही है। अच्छा सेम, ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? तो क्या
कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। सर ये ऊपर जो रक्तपित होता है उधर उधर रक्तपित, इसमें सर चंदन का कोई रोल नहीं रहता? चंदन का रहता है ना, चंदन का रहते विरेचन रहते चिकित्सा, चंदन सारीवा बहुत सारी दवाइयां हैं जो आप ये अष्टांग हृदय का किताब खोलेंगे ना उसमें बहुत सारी दवाइयां बताई हैं। वासा सबसे श्रेष्ठ बताया रक्तपित्त। हाँ डॉक्टर कंचन मैम आप क्या बताएंगी रक्तपित्त के मेडिसिन में? प्रवाल पिष्टी कुछ बताइए आप सर को रक्तपित्त में। सर हाँ ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या क्या दे सकते हैं? सर यहाँ पे भी कहरवा का रोल बहुत अच्छा आता है, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, आमल की रसायन, आंवला चूर्ण भी दे सकते हैं सर, मोती पिष्टी का भी बहुत अच्छा रोल आएगा, और उशिरासव मैं देती हूँ बहुत बार, और घृत अगर देना है तो वासा घृत का इस्तेमाल करती हूँ, और जैसे यहाँ पे हम मतलब इसकी जो चिकित्सा होती है मतलब अगर ऊर्ध्वग है तो हम इसे सर विरेचन से भी हम इसे विरेचन भी दे सकते हैं सर, इसमें अधोग रक्तपित्त का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तर्पण भी करते हैं सर इसमें। तर्पण किससे करते हो सर? जैसे खजूर आदि मंत्र वगैरह ऐसे बना के आप दे सकते हो सर, मुनक्का होता है ना तो उसका पानी भी बना के आप दे सकते हो, उससे भी तर्पण हो जाएगा। ठीक है थैंक यू। ठीक है सर आपको आंसर मिल गया? हाँ सर, हाँ सर काफी हेल्प मिल गई सर, इतने कितने इनपुट्स मिले सर। ठीक है आपके पास ऐसे जो भी केसेस आए ना आप आयुर्वेद के हिसाब से पूछिए, हमारा सब हर्बल दवाइयां रहती है बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर थैंक यू। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, किसी को कुछ बोलना है तो इंटरेक्टिव सेशन में मिलिए 8:15 बजे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम।